माय गॉडनेस, पुलिस वाले आ गए। स्कूटी से कौन सा स्टंट होता है आप ये बताओ सर, जब दोस्त कुत्ते हो तो फिर क्या करे भाई। अपनी गाड़ी का मैं श्रीनगर आया है, कभी सोचा नहीं था कि मैं श्रीनगर या लद्दाख स्कूटी से करूंगा। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि आने वाले टाइम में मेरे पास कुछ भी हुआ, जो उनसी मर्जी गाड़ी हुई, अपना मैं एक बारी लद्दाख होके आऊंगा। और यार गाइस अभी तो चलो रास्ते में एक चीज बताऊंगा मैं अभी आगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए सस्पेंस है। कोई नया व्यूवर आता है मेरी वीडियो देख के तो मैं उसको बता देता हूँ। वैसे गाइस मेरा नाम सनी सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मोटो व्लॉग, लाइफस्टाइल, डेली व्लॉग, रोड ट्रिप ये सब करते रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं। कई बार बाइक रिव्यू ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिलते रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिलेंगे रिलेटेड टू द ट्रैवल, बाइक्स, मशीन्स, यही चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैनल पे। या कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं किसी जगह पे, तो वहाँ के साथ हम आपके पास ट्रैवल करते दिखाया, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी। रेंज देख सकते हो, पहाड़ी माउंटेन रेंज आ गई है, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है। अभी भी से कल से पहाड़ों पे ही चल रहे हैं। जैसे कि आप ये नदी देख रहे हो ना यार, ये मुझे नहीं पता है पीछे से डैम से पानी रोक रखा है क्या कर रखा है, बट जम्मू के आते ही मैं देख रहा हूँ, जम्मू में मैंने 3 से 4 अभी ऐसे नदियों का पुल देख लिए, सारी सूखी पड़ी है, देख रहे हो। होता तो हमारी वजह से ही, हम लोगों के लाइक इंसान की वजह से ही है सारी चीज़ें, और जो भी हो रहा है यार अभी देखने में मुझे गलत लग रहा है। बस यही दुआ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। अब आ रहा गाड़ी चलाने का मज़ा। पता क्या होता है, हाईवे पे जब हम दिल्ली से चले थे तो उसमें ना सीधी सीधी सड़कें थी, मज़ा नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे ऐसा है ना, इधर उधर कर वर, और सच्ची बता रहा हूँ एक बाइकर ना हम ऐसे हैं कि जहाँ पे सड़कें नहीं होती ना, आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, वो हमारे को ज़्यादा प्यारे लगते हैं बजाय आप ऐसे जब हम बिल्कुल सीधी सीधी जो सड़कें होती हैं आपकी, बिल्कुल ये जो टारमैक वाली सड़कें होती है ना, ये वाली सड़कें हमारे को रोड ट्रिप पे पहाड़ पे ऐसे लाइक अच्छी नहीं लगती। ऑफ रोडिंग हो, थ्रिलिंग हो, वो मजा आता है। और ये देखो मुन्नी जय, देख रहे मुन्नी, इसमें बजरंगी भाईजान पिक्चर, यार ये वही वाली लग रही है बजरंगी भाईजान। यार आगे चलते यार, गाइस अपने मैंने पहला कौन को देखा, इससे पहले 2-3 ट्रक देखे थे, बट अब ये पहला कौन वो जा रहा है। और जब कौन वो निकलता है ना, बड़ा मजा आता है देखने का। और वह सुपर मार्केट, चलो जी मेरी सुपर मार्केट आ गई। अभी तक क्या बीच में सड़क पैची वाली है, पोटोल्स आ रहे हैं, गड्ढे वड्ढे हैं थोड़े बहुत बीच बीच में। अपना गेन मिलिट्री का एरिया आ गया, कैंट, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, जब दोस्त कुत्ते हो तो फिर क्या करें। चलते हैं आज के अपने सपनों की जगह, लेह लद्दाख। भाई जम्मू सिटी में आपका स्वागत है यार। यहाँ से श्रीनगर है 303 और यहाँ से ले था आपका 709 किलोमीटर दिखा रहा था। अभी और कितने किलोमीटर तो क्या है क्या नहीं पता लगेगा, बस पुलिस वाले इतने तैनात है ना। वह गेटर क्लाश यहाँ पे भी है, देख रहे हो गेटर क्लाश का बस स्टॉप, मतलब शोरूम भी मैं देख रहा हूँ, यामा, होंडा सबके शोरूम हैं। और ये देखो टाटा नेक्सोन गाड़ी अंदर खड़ी थी। तारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। चलो जी भाई निकाल लिए हमने, एक तो फोन में लगा हुआ बंदा है, बड़े खुंदर आती है सब। और अभी देखा था कितना सही मौसम हो रखा था, और अब देख रहे हो सामने काले बादल, बादल ही बादल, और पहाड़ को पूरा छुपा दिया, और ये लग रहा है केक की पीस की टुकड़ी सी, और ऊपर वो जो चेरी सी नहीं लगा देते, इसी पुल का मैं इंतज़ार कर रहा था तभी मैंने वीडियो ऑन करी थी। बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपना जम्मू कश्मीर और एंट्री होती है जम्मू में, तो वैष्णो देवी की जो माता का जो ट्रेन का ट्रैक वो ऐसे ही जाता है, ये है वो ऐसा।
देख रहे ऊपर से ऐसे ट्रेन जाती है, सीन ही अलग है वो सब कुछ। अब तो चेनाब नदी के ऊपर सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट मतलब एक और ब्रिज बना है ट्रेन का ही इंडिया में, मतलब एक अच्छी सी तरक्की हुई है, अच्छा लगता है यार। और भाई यहाँ की सड़कें फुल ऑन चकाचक है, फुल ऑन, और लैंडस्केप तो है ही। तीसरा विशाल भंडारा। अब सड़कें पता कैसे है, ऐसे स्लोप वाली, डाउन स्लोप वाली, एंड गाड़ी जा रही है 70-80, और सड़क ये नहीं कि छोटी है, बहुत चौड़ी है, मज़ेदार आ रहा है। अभी तक तो उसकी पावर सब बढ़िया चल रही है, एज मत कोई इशू अभी है हुआ नहीं। तो इधर सिटी बसी हुई है, और जम्मू सिटी से थोड़ा सा आगे चले जाओ भाई जी, तुझी चले जाओ, कुछ ज़्यादा ठंड तो अभी है नहीं, लग नहीं रही। यही वाला जो रास्ता है पटनीटॉप उन सब के लिए भी जा रहा है, श्रीनगर 246 उधमपुर भी आ गया है। ओह माय गॉडनेस, मुझे नहीं पता यार कि आपकी आंखें मतलब लाइक मेरा जो कैमरा है वो चीज़ देख पा रहा नहीं देख पा रहा। सीधी सड़क ऐसे डाउन स्लोप जाके ये ऊपर, हाय हाय हाय, देख रहे हैं यार असली नज़ारे, मज़ेदार है यार, मज़ेदार। मतलब भगाने को तो मैं और भगा सकता हूँ, बट भगाना नहीं चाहता यार, ये नज़ारा मैं देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओहो सामने की सड़कें बड़के सब सेक्सी लोकेशन है यार, सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। और बट वही कि पटनीटॉप वाला अपना दो रास्ते बन गए हैं, एक यहाँ से ना टनल आ गया, न्यू टनल बन चुकी है, तो फिर वो वाले रास्ते से जाएंगे ना तो पटनीटॉप नहीं आएगा, वो एक एक किलोमीटर से हमारे कम और टाइम बचा देगा। तो सोचे टनल से चले जाएंगे, टनल का भी अपना अलग ही मज़ा है, टनल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ओह माय गॉडनेस, रियल ब्यूटी है यार भाई, जम्मू और कश्मीर को ऐसे ही नहीं जन्नत बोल सकते। अब यहाँ पे दो तीन फोटो खिंचवा लेते हैं, हमारे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। पुलिस वाले आ गए और कह रहे हो तुम लोग स्टंट कर रहे हो, हालांकि तो उन्हीं के सामने हमने गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के नॉर्मली, और तब भी कह रहे कौन सा स्टंट कर रहे हो, क्या ही बोले हम। हाँ जी सर, यार आपके सामने गाड़ी रोके और हम कौन सा स्टंट कर रहे हैं आपके ये बता रहे हैं, स्कूटी से कौन सा स्टंट होता है आप ये बताओ सर, हम कौन सा, हमने तो नॉर्मल बल्कि रोड अवेयरनेस बताते हैं अपने चैनल्स के थ्रू, बल्कि हम ये जो पहने सेफ्टी गियर्स हम किस लिए करेंगे, ये मुंबई से आ रहे हैं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, बल्कि मालिक पता नंबर प्लेट तो है ये वाला होना चाहिए, इंडिया वाला। अरे सर का पहले भी लगा जाते हैं कभी कभी पूरा दो साल से चालू तो आता है, यही नहीं रूल भी पता हो तो पहले भी नाम का रूल भी नहीं है क्या, आप जो बोल रहे हो नंबर प्लेट सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यार। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर सर। घूमने? हाँ लद्दाख। कहाँ के रह रहे हो? दिल्ली। दिल्ली के? हाँ जी सर। क्या काम? मेरा काम अंकल जी जो रोड अवेयरनेस होती है ना, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए ये चीज़ों के ऊपर है, सेफ्टी पर्पस। अब जी ये लगा रखे हैं ये शूज़ नॉर्मल शूज़ नहीं होते, राइडिंग वाले हैं, तो गिरते हैं तो उससे हमको मिलती है कि मतलब चोट वोट ना लगे, ये चीज़ हम लोगों को बताते हैं कि यार ऐसे जब टू व्हीलर चला रहे हो कोई सा भी, आपको ये चीज़ ज़रूरी है। अब ये देखो ये हाथ लगाओ यहाँ पे है ना, ये ठोस, ये गिरने पे काम होते हैं ये चीज़ें। स्पीड में चलना ही है, स्पीड ये चलेगी, स्पीड लिमिट है ना, लिमिट में चलना है, वही तो कह रहा हूँ, इसकी 60-50 पे तो बैंड बज रही है आपको पता, और भारी। हाँ परसों के निकले हुए, रात को भी चले, नाइट में वो होटल लिए हुए अपना जम्मू पठानकोट बॉर्डर पे होटल लिया हाईवे पे, देन सुबह 8 बजे फिर निकल गए। वो अपना खर्चा होता है यार। हाँ अपना खर्चे, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मैं दिल्ली में नोएडा है, नोएडा यूपी, तो वहाँ से काम करके फिर अपना जो पैसे जोड़ते हैं फिर यहाँ पे आते हैं, सब कुछ गाड़ी के
कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आप सब चेक कर लो, कोई चक्कर नहीं है। पता क्या सर, जो स्टंट करते हैं ना उनकी शक्ल से भी पता लगता है, पता भी आप बात कर रहे हैं। नहीं होता स्कूटी पे, लोड गाड़ी में कैसे होगा? और पता क्या, जरूरी नहीं है कि बाइक वाला ही कर रहा होगा स्टंट, हर कोई बाइक वाला भी नहीं होता ना सर, हर हर पांच उंगली एक बराबर नहीं होती। काफी लोग स्टंट करते थे ना, वो हमने गाड़ी गाड़ियों खा के लाई है। वो आपके जम्मू के होंगे ना? वही तो सर, ये तो दिल्ली नंबर प्लेट और यार मेरी बात सुन ना, आप इधर खड़े थे ना। हाँ, इधर से बंदे निकले, उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये वो लोग हैं जो स्टैंड करने वाले हैं, अब उनको भी नहीं ना पता, इसलिए हमने आपको रोका। कोई बात नहीं, नहीं वो कोई बात नहीं सर, आप पब्लिक कंप्लेंट करती है आपसे सर, हमारा प्रेम है सर। नहीं तो आपने लाइसेंस दिया ना, कोई बात मगज बनता है। वो कोई सर नहीं, आपसे हमारा कुछ दुश्मनी थोड़ी ना, मैं आपको घर से थोड़ी ना जानता हूँ कि आप मेरे को कुछ बोलोगे, कोई चक्कर नहीं सर। बताओ पानी वानी पिलाऊं आपको? नहीं नहीं पानी, हाँ। तो पानी पिलाऊं? पानी आपने पीना, हमारे पास है वो है पीछे पानी। तो यार अपना पुलिस से सब सॉर्ट आउट हो गया, और बहुत ही प्यारे नेचर के निकले भाई साहब, हमारे को पानी की बोतल दे दी फ्री में, कहते रख लो आप। देख रहे हो पुलिस वाले इतने बुरे नहीं थे यार, जस्ट किसी लोकल ने ना ऐसी कंप्लेंट कर दी पुलिस वालों को कि वो स्टंट कर रहे हैं, और वो हमारे पास आ भी नहीं रहे थे, बट लेकिन क्या ही करे, क्या ही बोले। और जब आप कश्मीर में एंट्री करते हैं, जम्मू है, जम्मू भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, योर डेस्टिनेशन हमारी यही है कि हम सेफ ड्राइव करें, लीनिंग करने का भी अपना ही मज़ा है, हल्के हल्के लीन करो। देख रहे यहाँ पर जितने भी बंदर जो कोई भी जानवर दिखता है उसको खाना देना मना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से नोटिस आया हुआ था पुलिस वाले के वहाँ पर बोर्ड पे लगा हुआ था। और यार गाइस इसकी वो हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट नहीं ना, तो इसका बोल रहे थे वो लोग, वो चलो हमारी फॉल्ट थी वो मैं मानता हूँ, अलग ही है यार जम्मू कश्मीर का ना नज़ारा, हिमाचल से बिल्कुल अलग है। जम्मू अपने लिए पहचाना जाता, कश्मीर अपने लिए, और हिमाचल अपने लिए, उत्तराखंड अपने लिए, इन सब चारों पांचों जगहों की यार अपने अपनी एक खूबी, अपने अपनी सर जा रहे हैं अपने भाई साहब, इनको सैल्यूट करके मज़ा आता है यार, अच्छा लगता है, जोश सा आता है यार। और उनको फ्लाइंग किस भी दे दी पप्पियाँ भी। अब तो zigzag ऐसे आ रही है सड़क, मैंने भी यार पीछे देखा पुल से बना दी है, और भाई पुल पे भी सड़कें मतलब चकाचका एकदम, देख रही हूँ मक्खन जहाँ से वहाँ को पुलिस चेक पोस्ट मिली थी जो वहाँ से पकड़ के अब यहाँ तक, अभी तक तो भाई सब सब फुल ऑन मस्त चल रही है गाड़ी। ओह माय गॉडनेस, ओहो हो, मुझे तो जम्मू ही पसंद आ रहा है, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना लैंडस्केप इतने अपने आँखों से। यहाँ के पशु पक्षियों को यार खाना वाना नहीं खिलाना मना कर रखा है। चलो यार बैटरी चेंज कर लेता दो मिनट, कैमरे की हो गई बैटरी डाउन। सो यार व्यू देख रहे हो कितना ही जबरदस्त व्यू है, एंड देन छोटी सी प्यारी सी टनल आ गई है। माता वैष्णो देवी आपकी यात्रा सफल रहे। माता वैष्णो देवी के लिए जो यात्रा गई ना कटरा का रास्ता, वो यहीं से रहता है ना, बड़ी नहीं थी बट मज़ेदार थी। डोंट फीड मंकीज, ये देख रहे हो ना पुल से बना रखे हैं, इन्हीं की बात कर रहा था, मतलब बहुत तरीके से बना रखा है, मज़ेदार है। ओहो अगेन भाई, अब टनल ना भर भर के आएगी, भर भर के, क्योंकि यार ये टनल का मैं बताता हूँ, जब मैं पहले आया था ना अपने कार से, मतलब अपने मैं फैमिली के साथ आया था बाय रोड वैष्णो देवी के लिए, तो तब भी बहुत सारी टनल थी और अब भी हैं,
ये जो अब आ रही हैं जा रही ये नज़ारे ही अलग है यार। इतनी बड़ी वीडियो बन गई होगी अब तक, जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्या कर सकते हैं यार ये नज़ारे ये दिखाना। कहीं मैं जम्मू कश्मीर की जो लेह लद्दाख वाली वीडियो है ना, हो सकता है कि 20-20 मिनट की क्यों ना हो, बट आपको मज़ेदार ज़रूर होगी यार। व्यूज़ हैं इतने सारे, देख रहे हो? ओ ओ अगेन फिर आगे, ये अब लंबी टनल फुल ऑन क्रेजी ओपन होने वाली है। आहा, आहा, आहा। आई मजेदार था ये क्रेज, अच्छी थी यार।